अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहम्मद तैयब एंड हमने जो है ना वो यूके कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया था। ठीक है, काफ़ी टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स जो है ना हम डिस्कस कर चुके हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशन के। अब जो है ना हमारा सेपरेशन ऑफ पावर के हवाले से टॉपिक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या कॉन्सेप्ट है यूके कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक है, कैसे सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना वो इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं यूके में? ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है ना उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, बेसिकली ये थ्रू कन्वेंशन जो है ना वो 1787 में जो है ना वो उसको जो है ना अडॉप्ट किया गया। ठीक है, अब उसमें बेसिकली जो है ना वो किसी की पावर को जो है वो प्रमोट करना नहीं था उसका पर्पज़। ठीक है, अब उसका पर्पज़ ये था कि जितने भी ऑर्गन्स है ना उनकी पावर को जो है ना वो उनकी पावर्स को डिटरमाइन करना, बेसिकली इस तरह कन्वेंशन का पर्पज़ था। अगर कोई लेजिस्लेशन के वाले से पावर्स हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली पावर्स किसके पास हैं? जुडिशरी के वाले से पावर्स हैं तो वो पावर्स किसके पास हैं? एग्जीक्यूटिव के वाले से पावर्स हैं तो वो पावर्स किसके पास हैं? बेसिकली इस कन्वेंशन जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली ये जो कन्वेंशंस अडॉप्ट की गई थी 1787 में, उसका जो पर्पज़ था ना वो बेसिकली पावर को डिटरमाइन करना था। ठीक है, लेजिस्लेटिव की, जुडिशरी की और एग्जीक्यूटिव की पावर्स को डिटरमाइन करना था। ठीक है, अब बेसिकली जो है ना सेपरेशन ऑफ पावर का क्या कॉन्सेप्ट है यूके कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको डिस्कस करने से पहले जो है ना मैं आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स के वाले से बता दूं। देखिए जो है ना वो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था ना वो प्लूटो और एरिस्टोटल ने ट्राई पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अब ट्राई पॉलिटिक्स का उन्होंने इस सेंस में कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने ना लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो है ना वो पावर्स को डिवाइड किया था जब उन्होंने आइडियल स्टेट थ्योरीज दी थी। ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो है ना वो लेजिस्लेटिव की पावर्स क्या होनी चाहिए, जुडिशरी की पावर्स सेपरेट होनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव की पावर जो है ना वो सेपरेट होनी चाहिए, और उनकी पावर्स को डिटरमाइन किया था एक आइडियल स्टेट में। कि उन्होंने कहा था कि एक आइडियल स्टेट में जुडिशरी ये काम करेगी, लेजिस्लेटर ये काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव ये काम करेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको नाम दिया ट्राई पॉलिटिक्स। ठीक है, ट्राई पॉलिटिक्स का नाम दिया था प्लूटो और एरिस्टोटल ने। सेपरेशन ऑफ पावर का जो वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया था ना वो मॉन्टेस्क्यो ने वर्ड यूज़ किया था, द स्पिरिट ऑफ लॉ, उन्होंने एक बुक लिखी थी जहाँ पे उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का फर्स्ट टाइम जो है ना वो वर्ड यूज़ किया था 1748 में। ये बेसिकली उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की, ठीक है, जिसमें जो है ना उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का जो है ना वर्ड यूज़ किया। अगर हम इसका मीनिंग देखें ब्लैक लॉ डिक्शनरी में, तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी बेसिकली कहती है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन कि जो गवर्नमेंट की थ्री ब्रांचेज है ना, ठीक है, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है, इनको पावर्स, इनकी इनके दरमियान जो है ना वो पावर्स को डिवाइड करना, इनकी पावर्स को जो है ना वो सेपरेट करना, डैट इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ जो है ना हम चेक एंड बैलेंस को भी पढ़ते हैं। ठीक है, कि अगर सबकी पावर्स को सेपरेट किया है तो फिर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखा है। सही है, तो बेसिकली ब्लैक लॉ डिक्शनरी कहती है कि थ्री गवर्नमेंट्स की ब्रांचेज हैं जिनके दरमियान जो है ना वो पावर को सेपरेट किया गया, पावर को डिटरमाइन किया गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस डॉक्ट्राइन को देखें, ठीक है, तो बेसिकली हम इसके साथ ही जो है ना वो डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस को भी जो है ना हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका पर्पज़ यही होता है कि जो जुल्म होता है, इंडिविजुअल्स पे जबर वगैरह होता है, ठीक है, उससे इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट किया जाए। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर का जो बेसिक पर्पज़ यही होता है कि जो इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं ना उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, जो इंडिविजुअल्स की लिबर्टी है, जो उनकी लाइफ है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। यही बेसिकली जो है ना सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होता है, और इसी के साथ ही जो है ना वो चेक एंड बैलेंस की जो डॉक्ट्राइन है, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ओरिजिन के वाले से जैसे कि मैं डिस्कस करता हूँ, तो ओरिजिन मैंने पहले ही बताया था आपको कि बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर का ओरिजिन जो हुआ था वो मॉन्टेस्क्यो ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 में। तो उसने बेसिकली फर्स्ट टाइम जो है ना वो सेपरेशन ऑफ पावर का वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, और उसने बताया था कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होंगी, ठीक है, गवर्नमेंट के जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं, अगर उनके दरमियान सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होंगी तो किसी भी पर्सन कि तब तक हम लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि गवर्नमेंट के जितने भी ब्रांचेज हैं उनके दरमियान सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होंगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट की ब्रांचेज कौन कौन सी है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली कहा था कि अगर कोई भी जो है ना वो ऑर्गन या ब्रांचेज जो है ना वो जॉइंटली वर्क कर रहे हैं तो इससे ये होगा कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो उनके ऊपर जो जुल्म है, जो जबर है, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स के ऊपर जुल्म और जबर होता है उसको तब तक काम नहीं किया जा सकता जब तक के पावर्स को सेपरेट ना किया जाए। ठीक है, जो लेजिस्लेटर की पावर्स हैं,
जो लेजिस्लेटर की पावर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी की पावर है, जो जुडिशरी की पावर्स है, जब तक उनको सेपरेट ना किया जाए, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस ना किया जाए, तब तक हम जो है ना वो किसी भी इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली उन्होंने अपनी बुक्स में ही जो है ना इसी को जो है ना वो एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि जो है ना देर कैन बी नो लिबर्टी, तब तक लिबर्टी नहीं हो सकती जब तक कि जो है ना वैन द लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर जॉइंट, ठीक है, जब तक लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव की पावर्स जो है ना वो जॉइंट रहेंगी तब तक जो है ना वो लिबर्टी नहीं नामुमकिन है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो जुल्म जबर जो है ना वो बेसिकली बरता जाएगा अगर हम जो है ना वो लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव की पावर्स को सेपरेट नहीं करते, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने जुडिशियर के वाले से बताया था कि जब जुडिशियर की पावर्स को भी जो है ना सेपरेट करना है, ताकि वो जुडिशियर बेसिकली क्या काम होता है कि वो इंटरप्रीट करे। तो बेसिकली जो कोर्ट्स होती हैं, हायर कोर्ट, स्पेशली हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बल्कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी भी एज अ गार्डियन रोल प्ले कर रही होती है। तो तब तक हम जो है ना वो इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि स्पेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट सही से यूटिलाइज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अदर जो व्यू हैं, ब्लैकस्टोन, विलियम ब्लैकस्टोन के व्यू हैं, ठीक है, उन्होंने बेसिकली कहा था कि जो गवर्नमेंट तब तक जुल्म जबर करेगी इंडिविजुअल्स पे जब तक के जो ब्रांचेज हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं स्टेट की, उनकी पावर्स को डिवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर लॉ मेकिंग का प्रोसीजर और लॉ को इंटरप्रिटेशन का प्रोसीजर एक ही पर्सन के हाथ में दे दी जाए, ठीक है, तो एक ही पर्सन को जो है ना वो सारी पावर्स दे दी जाए, तो इससे जो है ना वो इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से स्पेशन ऑफ पावर जो है ना वो इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके बाद मेडिसन व्यू, अकोमोलेशन ऑफ ऑल पावर्स, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी इन अ सेम हैंड, ठीक है, अगर तो हम जो है ना वो सारी पावर्स एक ही पर्सन के हाथ में दे देंगे, वेदर ऑफ आर मैनी, वेदर आर हेरिडिटी, सेल्फ अपॉइंटमेंट और इलेक्टिव मे जस्ट बी प्रोनाउंस बाय वेरी डेफिनेशन ऑफ ट्रेनी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी भी सारी पावर जो है ना वो एक ही पर्सन को दे देंगे तो इससे जो है ना वो बेसिकली क्योस के जो है ना वो चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, सिविल जो वार्स है स्टेट्स में वो स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, जुल्म जो जबर है बेसिकली उसके इंडिविजुअल्स के साथ जो है ना वो चांसेस जो है ना बढ़ जाएंगे। ये बेसिकली मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू थे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है सेपरेशन ऑफ पावर की, देखिए सेपरेशन ऑफ पावर की इंपॉर्टेंस ये है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना वो ये जो है ना वो नेसेसरी है कि जो लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है उनकी पावर को सेपरेट किया जाए, ठीक है, और गवर्नमेंट की मशीनरी को रन करने के लिए बेसिकली जो है ना वो सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन के पास जो है ना वो सारी पावर्स एक ही पर्सन के पास दे दी जाए, या फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव की पावर एक पर्सन के पास दे दी जाए, तो फिर वो जो है ना इंडिविजुअल्स के ऐसा राइट प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, जैसे कि राइट्स प्रोटेक्ट करने चाहिए, हो फॉर एज दे सेपरेट। तो बेसिकली जो है ना वो इनकी पावर्स को सेपरेट करने की ज़रूरत इस वजह से है, ठीक है, कि सारे जो है ना अपने इंडिपेंडेंटली जो है ना वो सारे जो ऑर्गन्स हैं, जो ब्रांचेज हैं, वो इंडिपेंडेंटली रह के लिए जो है ना अपना रोल प्ले कर सके, ठीक है। तो ये बेसिकली इस वजह से जो है ना सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है ना वो ज़रूरी है। अब हमने बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसकी हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है, ठीक है, उसको डिस्कस किया, उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि बेसिकली जितनी भी ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट की, जितनी भी स्टेट के ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनकी पावर को सेपरेट किया जाए, ठीक है। लेजिस्लेशन अपना रोल प्ले करे जो उनके उनका जो है ना वो काम है लॉ मेकिंग प्रोसेस के वाले से, एग्जीक्यूटिव जो है उसको इन्फोर्स करवाए जो उसका काम है, ठीक है, और वो उसके मामलात में दखल अंदाजी ना करे। ऐसी जुडिशरी जो है उसका काम इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है तो वो उसके मामलात में दखल अंदाजी ना करे, दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस है, चेक एंड बैलेंस इस सेंस में रखा जाए, द रीज़न इज़ के जो है ना वो अपनी जो पावर्स है, ठीक है, लेजिस्लेशन जो है ना वो अपनी पावर से बियॉन्ड को काम ना करे, ऐसी एग्जीक्यूटिव अपनी पावर से बियॉन्ड को काम ना करे, ऐसी जुडिशरी जो है ना वो अपनी पावर से बियॉन्ड को काम ना करे, तो इनके ऊपर एक डॉक्ट्राइन जो है चेक एंड बैलेंस की, ठीक है, बेसिकली उनको भी रखा जाए, डैट इज़ अ सेपरेशन ऑफ पावर और डैट इज़ अ डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ पावर का क्या कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश में, देखिए ब्रिटिश में जो है ना वो डेलीगेशन ऑफ पावर है, ठीक है, सारी पावर्स एक ही पर्सन के पास है, उसने अपनी पावर्स को डेलीगेट किया हुआ है। लॉ मेकिंग प्रोसेस पार्लियामेंट करती है, कैबिनेट का सारा सिस्टम वहाँ से पार्लियामेंट से होता है, हाउस ऑफ कॉमन से कबीना वहाँ से बनती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के जितने मामला आते हैं वहाँ हाउस ऑफ कॉमन से जो कबीना बनती है वो मामला सारे अंजाम देती है। जुडिशरी पहले हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर थी, ठीक है, कोर्ट ऑफ अपील जो है हाउस ऑफ लॉर्ड में हुआ करती थी, ठीक है। तो ये बेसिकली सारा प्रोसीजर जो है ना वो पहले किसके पास था, पार्लियामेंट के पास, ठीक है, पार्लियामेंट जो है ना बेसिकली सुप्रीम अथॉरिटी थी, ठीक है, तो पार्लियामेंट ने जो है ना ये पावर्स को डेलीगेट किया,
पार्लियामेंट ने जो है ये पावर्स को डेलीगेट किया, ठीक है। अब पार्लियामेंट क्या करती है, बेसिकली लेजिस्लेशन करती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन में से जो मेजोरिटी में पार्टी होती है उसमें से एक पर्सन जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है ना हाउस ऑफ कॉमन में ही से जो है ना वो अपनी कैबिनेट बनाता है, ठीक है। और जो वो कैबिनेट है वो एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करती है, ठीक है। अब लेजिस्लेशन भी हाउस ऑफ कॉमन में हो रही है, मनी बिल वगैरह, ऑर्डिनरी बिल वगैरह सारे हाउस ऑफ कॉमन से होते हैं। जो उसमें से मिनिस्टर्स जो बनते हैं वो भी हाउस ऑफ कॉमन से बनते हैं, ठीक है। मिनिस्टर्स जो एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करते हैं वो भी हाउस ऑफ कॉमन के ही जो मिनिस्टर जो है ना अपॉइंट होते हैं एग्जीक्यूटिव के हेड, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसमें जो है हमने कैबिनेट सिस्टम में जब हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी कि उसमें हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली जो है ना वो कैबिनेट जो है वो हाउस ऑफ कॉमन से ही जो है ना वो कैबिनेट्स के मेंबर अपॉइंट होते हैं और उनके ऊपर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और वो बेसिकली इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस इस तरह होता है कि ये जो कैबिनेट होती है ना ये सिर्फ पार्लियामेंट को जवाबदेह होती है, ठीक है। इस लिहाज से इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। सेपरेशन ऑफ पावर मींस के सारी पावर्स जो है बेसिकली उधर पावर्स सेपरेट तो नहीं है, ठीक है। हम फिर इसको सेपरेशन ऑफ पावर तो नहीं ना कह सकते यूके में, क्योंकि लेजिस्लेशन की पावर्स भी हाउस ऑफ कॉमन के पास है। जो हाउस ऑफ कॉमन में बेसिकली जो पार्टी मेजोरिटी में होती है, ठीक है, वो ही जो लॉ बनाना चाहे वो जो है ना, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है तो वो लॉ बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ही ने अपनी मिनिस्टर्स जो है ना वो अपॉइंट किए होते हैं तो वो जैसे भी उनसे काम लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, ठीक है। डैट्स के वहाँ पे ऐसा कोई सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी भी बेसिकली जो है ना वो पहले हाउस ऑफ लॉर्ड से ही जो है ना वो हाउस ऑफ लॉर्ड ही कोर्ट ऑफ अपील होती थी, ठीक है। लेकिन फिर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। और अब जो है ना वो कोर्ट ऑफ अपील जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में होती है, लेकिन वो पावर्स किसने दी, वो पावर्स भी हाउस ऑफ लॉर्ड ने ही सुप्रीम कोर्ट को दी, ठीक है। तो मतलब कि वहाँ पे जो यूके में जो है ना वो पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, ठीक है। पार्लियामेंट ने बेसिकली अपनी जो पावर्स हैं वो डेलीगेट की हैं, ठीक है। लेजिस्लेशन के वाले से तो वो वैसे ही रोल प्ले कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव के वाले से, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स और उसके जो कैबिनेट है, ठीक है, और जुडिशरी के वाले से हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड उसके बाद जो है ना वो क्राउन जो है ना वो ड्यू टू जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उसकी जो है ना कंसर्न के साथ जो है ना वो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट जितने भी जजेज हैं उनके अपॉइंट करता है, ठीक है। अगर उनके अगेंस्ट कोई इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है तो वो पार्लियामेंट करती है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा लॉ जो है ना वो बन गया है, ठीक है, तो जुडिशरी के पास ऐसा इतनी पावर्स भी नहीं है कि वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सके, ठीक है। अगर तो उसको हाउस ऑफ कॉमन ने जो है ना वो सेकेंड सेशन में फिर से उसको जो है ना वो पास कर लिया, तो ये बेसिकली वहाँ पे कोई ऐसा सेपरेशन ऑफ पावर का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है ना वो पावर्स को सेपरेट किया गया है, ठीक है। फिर भी जो है ना वो उनके ऊपर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखा गया है। अगर तो मैं कैबिनेट की बात करूँ तो कैबिनेट जो है ना वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है हाउस ऑफ कॉमन को, ठीक है। अगर कोई जुडिशरी जो ऐसा एक्ट परफॉर्म करती है, फॉर एग्जांपल जजेस को ही जो है ना वो इलीगल एक्ट परफॉर्म करते हैं या कोई मिसकंडक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनका भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है ना वो उनको इम्पीच करती है, ठीक है, वो सारी उनकी प्रोसीडिंग होती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस का प्रोसीजर तो है, ठीक है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर का एस सच जो है ना वो प्रोसीजर नहीं है। कि जैसे कि मॉन्टेस्क्यो ने अपने जो है ना वो थॉट्स में एक्सप्लेन किया था, उसने कहा था कि बेसिकली जो लेजिस्लेटर की पावर्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव की पावर्स जो है वो बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए और जुडिशरी की पावर्स जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स के वाले से पढ़ा, ठीक है, कि यूके में जो है ना वो ऐसा तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ठीक है। वैसे तो उन्होंने पावर्स दी है लेजिस्लेशन की, लहदा से पावर्स हाउस ऑफ कॉमन से ही जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है, वहीं से कैबिनेट अपॉइंट होती है, ठीक है। और उसके बाद जो जुडिशरी के वाले से भी हमने पढ़ा कि हाउस ऑफ लॉर्ड में पहले कोर्ट ऑफ अपील होती थी और फिर जो है ना अभी सुप्रीम कोर्ट को सेपरेट कर दिया गया, लेकिन अभी भी अगर कोई जज मिसकंडक्ट करता है या किसी जो है ना जज की अपॉइंटमेंट होती है तो वो बेसिकली पार्लियामेंट ही करती है और इम्पीचमेंट का सारा प्रोसेस जो है ना वो पार्लियामेंट के थ्रू होता है। यही चीज़ें जो है ना इसमें सारी लिखी हैं, ठीक है। मोनार्की बेसिकली जो है ना वो विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो जजेस की अपॉइंट करता है, ठीक है। रिमूवल बाय द क्राउन बाय ऑन द डेथ ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है। तो उनको जो रिमूव कर किया जाता है जजेस को, वो भी बेसिकली जो है ना वो क्राउन ही करता है ऑन द डेथ बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट की जो है ना वो कंसर्न के साथ ही जो है ना उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद अल्टीमेटली कोर्ट ऑफ अपील, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मैंने पहले बताया कि बेसिकली है ना कोर्ट ऑफ अपील वो आ करती थी, लेकिन अब जो है ना उन्होंने अपनी पावर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट को, जब सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया तो सारी पावर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट को दे दी। लेकिन अभी भी बहुत से जजेस जो है ना आके हाउस ऑफ लॉर्ड में जो है ना वो बैठते हैं, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड में जो है ना वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा जो है ना हम प्रैक्टिकली ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर जो है ना वो सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। अगर किसी ने भी जो है ना वो कोई एक्ट परफॉर्म किया तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है। क्रिटिसिज्म भी बेसिकली इस पर किया गया, ठीक है। फर्स्ट जो क्रिटिसिज्म किया गया डिफरेंट राइटर्स ने वो ये कह के सिर्फ तीन ही ब्रांचेस का क्यों जिक्र हुआ है, ठीक है, दो भी ब्रांचेस हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, उनके सिर्फ तीन के वाले से क्यों कहा गया है, हम पावर्स जो है ना वो सेपरेट डिफरेंट ब्रांचेस को क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमने एजुकेशन के वाले से पावर्स को सेपरेट करना है तो क्यों ना हम उसके लिए एक एजुकेशन के एक लहदा से जो है ना वो प्रोसीजर बना दें, ठीक है। अगर हमने हेल्थ के वाले से करना है तो क्यों ना हम हेल्थ का एक लहदा से प्रोसीजर बना दें। तो बेसिकली डिफरेंट जो है ना राइटर्स ने इनको क्रिटिसाइज भी किया है, ठीक है। पहला तो क्रिटिसिज्म ये था कि सिर्फ हम थ्री ही ब्रांचेस की क्यों बात करते हैं, ठीक है, हम जो है ना वो थ्री से ज़्यादा की ब्रांचेस की क्यों नहीं बात करते, हम ये क्यों नहीं कहते कि लेजिस्लेशन के लिए लहदा से हो, जुडिशरी के लिए लहदा से हो, एग्जीक्यूटिव के लिए लहदा से हो, एजुकेशन के लिए लहदा से हो, हेल्थ के लिए लहदा से हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लहदा से हो, हम डिफरेंट जो है ना वो क्लासेस की बात क्यों नहीं करते, हम सिर्फ थ्री ही क्लासेस की क्यों बात करते हैं। फर्स्ट क्रिटिसिज्म इस पे ये था, ठीक है। सेकंड क्रिटिसिज्म बेसिकली इस पे ये था कि वो इस तरह क्रिटिसिज्म किया गया था कि कभी भी जो है ना वो पावर्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, कभी भी पावर्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, कभी भी कम्प्लीटली जो है ना वो पावर्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। बेसिकली इसमें यही लिखा है कि नो गवर्नमेंट हैज एनी इवन ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लीट सेपरेशन ऑफ द थ्री इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, कि कभी भी जो है ना हम पावर्स को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, इट्स इम्पॉसिबल कि हम जो है ना वो जुडिशरी की पावर्स को सेपरेट बिल्कुल ही कर दें एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव की पावर को लेजिस्लेशन और जुडिशरी से बिल्कुल एग्जीक्यूटिव कर दें, और जुडिशरी की पावर्स को जो है ना वो लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल सेपरेट कर दें। तो बेसिकली जो सेकंड जो इस पर क्रिटिसिज्म हुआ था वो ये हुआ था कि कभी भी जो है ना वो इट इम्पॉसिबल, ठीक है, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा हो सकता ही नहीं है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, जो पावर्स को सेपरेट करने के वाले से जो है ना वो बताया गया है, ठीक है, उसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ठीक है। उसके बाद इस पर तीसरा क्रिटिसिज्म ये था कि जब भी हम पावर्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली कन्फ्लिक्ट राइज होते हैं ब्रांचेस के दरमियान, डिफरेंट जो स्टेट के ऑर्गन हैं उनके दरमियान। इसकी एग्जाम्पल मैं इस तरह दूंगा कि बेसिकली जब लेजिस्लेशन जो है लॉ कोई पास पर करता है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव कहता है कि हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे, और जुडिशरी भी कहती है कि हम इसको इंटरप्रेट नहीं करते, ठीक है, हम इसको या जुडिशरी उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देती है, तो ये बेसिकली एक कन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है जुडिशरी और लेजिस्लेटर के दरमियान, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी के दरमियान, ठीक है। तो ये बेसिकली जो थर्ड इस पर क्रिटिसिज्म ये किया गया था कि कन्फ्लिक्ट राइज हो जाते हैं जब सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होता है, और अगर पावर एक ही पर्सन के और अगर पावर एक ही पर्सन यूटिलाइज कर रहा हो तो फिर जो है ना कन्फ्लिक्ट का ऐसा जो है ना वो कन्फ्लिक्ट राइज जो है ना नहीं होते जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर में होते हैं। तो ये बेसिकली इनको थ्री तरह जो है ना वो क्रिटिसिज्म किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है ना कंक्लूजन एट द एंड आपने ये लिखना है कि मंटिस्को ने जो बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, देयर इज ऑल्सो नो सेपरेशन ऑफ पावर इन इंग्लैंड बिकॉज देयर इज एन अल्टीमेट इंटर रिलेशन बिटवीन एंड अ गुड अमाउंट ऑफ ब्लेंडिंग एंड ओवरलैपिंग, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना वो जो मंटिस्को ने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, जो सुजेस्ट किया था उसको तो ब्रिटिश में ऐसा जो है ना फॉलो नहीं किया गया, ठीक है, और जो है क्योंकि जो इंटर रिलेशन है जो थ्री ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, तो ऐसा जो है ना वो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है ना वो ब्रिटिश में नहीं है, ठीक है, जैसे कि मंटिस्को ने कहा था लेजिस्लेशन के वाले से एग्जीक्यूटिव के वाले से कि दोनों की पावर्स जो है ना वो सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने जो स्टडी किया कि बेसिकली जो हाउस ऑफ कॉमन से ही जो है ना वो एग्जीक्यूटिव का हेड जो है ना वो अपॉइंट होता है, और हाउस ऑफ कॉमन से ही जो है ना वो मिनिस्टर्स बनती है, कैबिनेट वगैरह सभी वहाँ से बनती है, ठीक है, वही जो है ना वो एग्जीक्यूटिव का जो है ना वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है, और वही जो है ना वो लेजिस्लेशन कर रहे होते हैं, यानी कि बहुत से बिल तो ऐसे हैं जो कि कैबिनेट ही जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है हाउस ऑफ कॉमन में, ठीक है, और फिर जो वो बिल है आफ्टर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एंड द असेंट ऑफ क्राउन, वो बिल पास होने के बाद एक्ट बन जाते हैं। तो हम हिस्ट्री देखें तो बहुत से जो है ना वो एक्ट ऐसे बने हैं जो कि कैबिनेट की तरफ से जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन में लाए गए थे, बल्कि कैबिनेट बहुत से एक्ट्स लेके आती है पार्लियामेंट में, बल्कि जो कैबिनेट है वो बहुत से एक्ट्स लेके आती है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ये बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट था। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दो महीने के अल्लाह हाफिज़।